तो सबसे बड़ा सवाल कि सवाल अगर भौतिक संसाधनों का हमने खूब बेहतर तरीके से उपयोग किया, आपने स्कूल में काम भी किया, तो कुछ तस्वीरें भी आपके स्कूल की दिखाना, अभी लोगों को दिखाया भी कि पहले कैसी स्थितियां थी, परिस्थितियां कैसी बनी, भौतिक संसाधन में जब आपने काम किया तो उससे क्या फर्क पड़ा आपके स्कूल पर, खास करके सोसाइटी के बीच में कैसा परसेप्शन पड़ा? पता है सर, जब ही हम काम कर रहे हैं तो गांव के लोग, आसपास के लोग हमसे जुड़ने लगे, और इवन मुझे रोटरी क्लब से फोन आया कि मैम आपको कोई सहायता की आवश्यकता है, हम आपके लिए कोई मदद कर सकते हैं, आपको हम देख रहे हैं, आप स्कूल के लिए बहुत कर रही हैं। तो उन्होंने हमें आईसीटी के लिए एलईडी दी, जिससे कि एलईडी से तो एक क्रांति सी आ गई स्कूल में बच्चों के एडमिशन को लेके। प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी मेरे स्कूल में अब आ रहे हैं सर, और आसपास के कुछ स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहां से भी बच्चे छोड़ के आ रहे हैं। और वजह भौतिक परिवेश बदलने, भौतिक संसाधन बदलने से, जैसे एलईडी का हम उपयोग कर सकते बता रहे हैं, समर कैंप मैंने स्टार्ट किया। प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पे समर कैंप होता है निःशुल्क, हमारा निःशुल्क समर कैंप हर गर्मियों की छुट्टी में हम करते हैं, और उसमें हम बच्चों को हर वो चीज सिखाने की कोशिश करते हैं जो स्कूल टाइम में कुछ छूट जाती है, टाइम शेड्यूल के होने के कारण हम नहीं करा पाते। तो वो उसमें हमने लड़कियों के लिए विशेषकर ध्यान रखा इस बात का कि हमारी जो गांव की बेटियां हैं, इवन हमारे स्कूल की नहीं, पूरे गांव की बच्चियां उस कैंप से जुड़ सकें और हम लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दे सकें, बेटियों की शिक्षा को। क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारे यहाँ कक्षा 5 में अगर बच्चे आए तो उन्हें वो पढ़ाना लड़कियों को सबसे पहले रोक देते हैं। सर मेरा सबसे ज्यादा प्रयास ये रहा कि मैं उन लड़कियों से, चाहे वो 5th के बाद 6th में आई, 7th में आई, चाहे वो 12th तक में भी आई हैं, मैंने हमेशा उनसे, उनके पेरेंट्स से वार्ता करती रही हूँ, का आगे भी ध्यान रखा है कि हमारी लड़कियों की पढ़ाई ना रुके। और शायद यही वजह है कि हर पेरेंट्स हमसे जुड़े। एसएमसी की बैठक बहुत अच्छे से मैम ने भी देखा है कि मेरे यहाँ एसएमसी की बैठक में हर पेरेंट्स आने की कोशिश करते हैं, और इस बैठक के कारण हमें जो आसपास के गाँव लोगों से जुड़ना, इवन यहाँ मेरे स्कूल में 10 10 5 5 6 6 किलोमीटर से भी बच्चे आ रहे हैं,